सिद्वाना जोधपुर के अंदर युवती के साथ हुई गैंगरेप की घटना को लेकर पूरे राजस्थान भर में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी के तहत छात्र संगठन DSFI के द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी को सौंपा गया। ज्ञापन से पूर्व छात्र संगठन के द्वारा अपराधियों को फांसी देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। वही दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि जय नारायण विश्वविद्यालय कैंपस के पीछे नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर दी गई है। वहीं देश भर में बलात्कार और गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आरोपियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। ऐसी घटनाएं पर कठोर कानून बने और आरोपियों को सरेआम फांसी की सजा दी जाए। इन मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में युवा प्रदेश प्रभारी तनवीर कुमार, विजय कटारिया, नागरमल अजयपाल, संजय राठी, नरेंद्र राठी, लाला राम, इंद्रसा मेघवाल, हरलाल बड़बड़ व अनेकों छात्र मौजूद रहे। जोधपुर JNVU विश्वविद्यालय में हुए गैंगरेप के मामले को लेकर हम आज यहाँ उपखंड कार्यालय डीवाना में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनको सरेआम फांसी दी जाए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर राजस्थान का युवा कदी सहन नहीं करेगा। इसलिए राजस्थान सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोपियों की फांसी की सजा सुनाई जाए और इस मामले को कठोर निंदा करते हुए DSFI के कार्यकर्ताओं द्वारा आज इस उपखंड कार्यालय में भांगड़ कॉलेज से रैली निकालकर उपखंड कार्यालय तक आए।